الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزعو المستكبرين ويملك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الغارمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد باري الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني يشهر الإمام المهدي المنتظر ما قد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إنا زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها كل مرضعة أقمرضعت وتزعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد पहली मई जो है पहली मई को हमारे हिंदुस्तान में 1923 से लेबर डे मनाया जाता है। लेबर डे का अगर कुल्ली माना ले आम माना ले तो इसका मतलब क्या है? मजदूरों का दिन, ठीक है, वो दिन जो मजदूरों के लिए। अच्छा, दुनिया का एक दस्तूर है, पूरी दुनिया में चल रहा है गवर्नमेंट डे, लेबर डे, टीचर्स डे, इस तरह का इंडिपेंडेंस, ये सारे डे मनाए जाते हैं और मकसद बहुत बुलंद होता है। आप कभी सोचिए कि ये जो ये लेबर डे है, खुद हम मजदूरों को मोटिवेट करें, हम उनके काम की कदरदानी करें, हम उनको अहमियत दें, हम उनके जो है इज्जत अफजाई करें, ये सब बहुत अच्छी जो है नारे हैं सब, ठीक है, नारे हैं और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर आप कहें नहीं मेरे की गांव में उनकी बहुत इज्जत है, बड़ा एहतराम है, तो फिर जब उनके काम की बात आए, उनके सिलसिले में कोई बात आए, तो आप अपनी हसासियत बताइए। आज आप इसी हिंदुस्तान में, निकल तकरीबन अगर 1923 से मनाया जा रहा है और फर्स्ट लेबर डे चेन्नई में मनाया था और एक किसान लेबर पार्टी ने मनाया, तो 100 साल हो गए और आज भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई। इसका मतलब ही है कि आपने ये जो लेबर डे है उसको एक मजाक समझ लिया है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वुमेन्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं। वुमेन्स डे मनाने का मतलब क्या था? कि हमें औरतों की कदरदानी करना चाहिए, हमें उनका इस्तेहसान नहीं होने देना चाहिए, हमें उनको माशरे में इज्जत और एहतराम फराहम करना चाहिए। नहीं, ये सब था, लेकिन हो क्या रहा है? जैसे जैसे जमाना और बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका इस्तेहसाल भी बढ़ रहा है, उनके हकूक की पामाली भी बढ़ रही है, उनको रहम मादर में कत्ल किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और तहदी का बाजार गर्म है, तो फिर काहे का वुमेन्स डे और काहे का लेबर्स डे, ठीक है। लेकिन अजीजाने गिरामी, देखे किसी भी इस्लाम में, मैं इस मौजू पे चूंकि रिसर्च कर रहा था, 700 आयतें हमारे पास कुरान में लेबर्स के लिए है। आप ताज्जुब नहीं करेंगे, 700 आयतें अलग अलग जो है अंदाज में, अलग अलग कानून के हिसाब से
अल्लाह ताला ने एक काम और करने के लिए, कोशिश करने के लिए इंसानों को बे इंतहा मोटिवेट किया। मैं 5 आयत पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो इतना, मेरे पास वक्त नहीं होगा कि मैं आपको 100 आयत क्या 5 आयत ही मुश्किल से आधा आधा सुनाता हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मसलन किस तरह अल्लाह चाहता है कि जो ईमान लाए वो किस तरह। अब ये काम मखसूस नहीं है खाली मसलन आप रोजी कमाने की बात है, काम तो हजार का है। आप जिस तरह दुनिया का काम उसी तरह आखिरत का काम भी है, नहीं? और काम भी आज दुनिया में हजारों किस्म के हैं। आप कुरान कहता है कि हर इंसान की वैल्यू क्या है, उसका काम है। जो इंसान कोशिश करता है, जिस तरह की कोशिश करता है, जिस तरह का हार्ड वर्किंग है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी वैल्यू वही है। अब इससे मैं आना चाहता हूं, इसी जुमले से आना चाहता हूं। हमारे जो है इमामों ने एक सीरत इस सिलसिले में पेश की, गुजरा है क्या जेल खाने में, लेकिन जैसे ही बाहर आए, अजब है रवायत, रावी कहता मैंने देखा इमाम ने काम करने वाला कपड़ा पहना मोटा और हाथों में कुल्हाड़ी और लिया और बाग में आ गए। किसी ने कहा मौला आपके पास इतने नौकर हैं, आपके पास गुलाम हैं, उनसे कह दीजिए काम कर ले। अजब जुमला फरमाया अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा रोजी के लिए पसीना बहाए। आप देखो उसका अल्लाह को पसंद आता है कि अल्लाह देखना 5वें इमाम के बारे में, 6ठे इमाम के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में। आप रसूलुल्लाह के बारे में पढ़िए, उनकी सीरत में है कि सुबह से लेकर आधे दिन तक बकरी चराने के लिए जाते थे, धूप हो या साया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ऐसी सूरत में जब एक सीरत उनकी हमारे पास मौजूद है और फरमाते थे, मैंने कहा कुरान की आयत है वअन्ना लैसा लिलइंसान इल्ला मा सआ, हर इंसान की वैल्यू कदर कीमत अल्लाह की निगाहों में उसकी जहमत है, उसका काम करना है, हार्ड वर्किंग होना है। ये एक आयत। दूसरी आयत सुन लीजिए कुल्लो नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर इंसान जो कमाता है उसी कमाई में अल्लाह ने उसको देखना है, अल्लाह उसी कमाई में उसके रहन किए हुए, इसके इर्द गिर्द वही उसकी कमाई है। हो एक तीसरी आयत सुनिए अलम तजिद यौम तजिदो कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहजरा, एक दिन आएगा जो कुछ आपने इस दुनिया में किया है आपके सामने हाजिर होगा, हर तरह का काम, कोशिश, तलाश, जहमत, हार्ड वर्किंग सब अल्लाह आपके सामने लाकर रख देगा। अच्छा हुआ तो भी, खराब हुआ तो भी लाके रखने वाला। एक और आयत में देखिए या अय्युहन्नास इन्नका कादहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तुम हार्ड वर्क करो अल्लाह की, कद करना यानी जहमत उठाना। ऐ इंसानो अल्लाह के राह में अल्लाह के लिए जहमत उठाओ, इसलिए कि बगैर कोई जहमत उठाए अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकता। अल्लाह से मुलाकात करने के लिए क्या है, हमारे इस्लाम में हाथ चूमने को बहुत मोटिवेट नहीं किया गया, निशानी चूमने के लिए हमारे पास सलाम है, लेकिन पैगंबर की सीरत में मिलता है कि एक जंग से पलट रहे थे तो साद या सईद जो है पूरा मदीना उनसे मुलाकात के लिए इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा, तो सईद या साद जो है अंसारी अंसार कबीले से ताल्लुक रखते थे, वो आए मिलने के लिए, हाथ में आए तो अल्लाह के रसूल को उनका हाथ गड़ा चुभा, हाथ मिलाने के जब दिया उन्होंने तो रसूलुल्लाह का हाथ, जब उन्होंने रसूलुल्लाह ने अपना हाथ उनका हाथ उनके हाथ में आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया साथ तुम क्या करते हो, तुम्हारे हाथ में कांटे पड़े हुए, तुम्हारे हाथ मुझे मेरे हाथ में चुभ रहा है। कहे अल्लाह के रसूल मैं अपने बच्चों को रोजी फराहम करने के लिए दिन भर कुल्हाड़ी चलाता हूँ, उसका गट्टा मेरे हाथों में है, छाले पड़ गए हैं। ए लग रसूल इसी से छाले पड़ गए। रसूलुल्लाह ने वो हाथ पकड़ा और चूम लिया,
आप अजब नहीं है। मैंने कहा कि हम एक बार हम चूमे रसूलुल्लाह का हाथ और अल्लाह का रसूल हमारा हाथ चूमे, और जब और उस आदमी का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह ने चूमा, मैंने पूरी तारीख में कहीं नहीं देखा कि रसूलुल्लाह ने इस आदमी के अलावा किसी का हाथ चूमा हो। बीबी के लिए अलग है, अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूं, जो उम्मती है उनकी बात कर रहा हूं, किसी एक के लिए दिखाई है, किसी एक उम्मती के लिए उसका हाथ चूमा। और एक अजब जुमला फरमाया, हादी यदुन लम तमसस्हु नारुन, ये वो हाथ है जिसको जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती है। तो जो इस्लाम हार्ड वर्किंग को इतना पसंद करता हो, इतनी आयतें हो, वही इस्लाम और हकीकी इस्लाम के मानने वाले नहायत दर्जे के निकम्मे हो, नहायत दर्जे सुस्त हो, तंबल हो, बेकार हो, और कह के मैं शिया हूं, मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं। आपकी सीरत, मेरी सीरत और उनकी सीरत में कितना डिफरेंस है। जो हार्ड वर्किंग है, उनकी जिंदगी सख्त तरीन लम्हे से भी गुजरी तो उन्होंने हार नहीं मानी। आज ये जुमला आप रोज सुनते रहते हैं मजलिसों में कि जब फदक छीन लिया गासिबों ने, जालिमों ने, और वो सारा माजरा हो गया, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम घर में आए तो देखा इमाम घर में आए, देखा बीबी अपना सर जानू पे रखे हुए रो रही। अब इमाम इस हालत को देखना इमाम के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ। मैं और आप जब भी सोचते हैं तो हमारा दिल रोने लगता है। पैगंबर की बेटी है और मौलाए कायनात। रवायत कहती है कि इमाम बैठ गए बीबी के पास, क्या बात है, मेरी जिंदगी में आपको रोना क्यों रो रही है। फरमाया, अली नहीं देख रहे आप मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, आपने अपनी तलवार से इस्लाम को बुलंदी में पहुंचा दिया। हर जालिम जो इस्लाम के मुकाबले में टकराने के लिए आया, दलील को कबूल नहीं किया, मोजजात उसके लिए काम नहीं आए, और उसने खुद तलवार उठाई तो आपने उस जालिम की गर्दन को तोड़ दिया, क्या मेरे हक के लिए आपकी तलवार नहीं उठेगी। चूंकि मासूमा थी इसलिए एक जुमला इमाम ने फरमाया आप हुक्म कीजिए, आप खाली कह दीजिए कि आप तलवार उठाइए और मेरा हक इनको ले आके दे दीजिए, आप खुदा की कसम इनकी हलक से आपका फेदक निकाल लूंगा। लेकिन बीवी में एक बात आपसे कहना चाहती, आप अगर कहेंगी मैं फौरन ये काम करने को तैयार हूं, लेकिन एक बात जो मुझे रोक रही है वो क्या है, ये अजान में आपके बाबा के नाम की आवाज जो आ रही है, लोग कहने लगेंगे कि ये इस्लाम अपने मकसद के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। आप बताइए, बीबी ने फरमाया नहीं अली मैं सब्र करूं। उसके बाद वाला मुझे जुमला जो सुनाना था वो मुझे ये सुनाना था, फरमाया बीबी अगर आपको खौफ है कि रोजी के लिए, तो जिस तरह अली के बाजुओं में तलवार उठाने की ताकत है, उसी तरह अली के बाजुओं में इतनी ताकत है कि अपने बच्चों को आराम से आजूका फराहम कर सके, आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मैं हर काम करके आपके लिए रोजी फराहम करूं। आज हमें मिलता है, मौला ने क्या किया, ये बहुत अजब है, जब एक जालिम, एक गासिब आपको और मुझे मजबूर करना चाहे, किसे अपनी साजिश से मजबूर करना चाहे कि हम उसके सामने हथियार डाल दें, इमाम ने क्या किया, इमाम ने एक दूसरा तरीका हिकमत अपना ली। इतने कुएं मदीने में खोदे हैं, इतनी बाग इमामों ने अपने हाथ से लगा दी कि रवायत में है, तारीखी जुमला कि इमाम ने अपने हाथ की कमाई से 1000 गुलाम आज़ाद किए। ये उसके बाद की बात है, जब गस्ब हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो इमाम इस कदर जहमत करने वाला हो, उसके लोग हाथ फैलाना अपनी शान समझते हो, मांगना भीख मांगना उनके लिए शर्म की बात नहीं, उनको काम नहीं मिलता,
आज लोग जब कहते हैं मुंबई में काम नहीं है, सारी दुनिया से लोग मुंबई में काम करने आते हैं, पूरे इंडिया से, हर गोशे से लोग मुंबई आते हैं काम, और उनको काम नहीं मिल जाता है। आप यहाँ 20 साल से रहे, कहते मुझे काम नहीं मिल रहा है, ये एक हंसने और मजाक है आपका, एक बहुत बड़ा जो भयानक जोक है जो आप कर रहे हैं। मसला क्या है? आप काम नहीं करना चाहते। आज इसी वजह से हमारे वहां ये नहीं कहा गया कि कोई इंसान को, मसलन आपको जो है जरूरत नहीं, जरूरत हर आदमी की है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको जरूरत ना हो, लेकिन जरूरत पूरा कैसे करना। आप जानते हैं कि मेरे पास, मैंने रवायत भी देखी कि अल्लाह कहता मैंने तो हर एक की रोजी हलाल लिखी है, हराम तो लिखी ही नहीं है। अब उसका काम है हलाल रोजी के लिए तलाश कर लेना। हर जुमा में आप ये पढ़ते हैं, फैदा कदई तुम सलात फंतशरू फिल अर्ध, जब नमाज पढ़ चुके हो जाओ रोजी के लिए। और अजीब, मैंने एक आज रवायत देखी, पैगंबर ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी उम्मत की रोजी सुबह में दे देना। मैं वो एकदम हैरान रह गया कि जो पैगंबर की हदीस देखी कि पैगंबर ने स्पेशली दुआ किया है कि अल्लाह मेरी उम्मत की रोजी सुबह में रखना। अब मैं ये तो कहना नहीं चाहता हूँ कि मुंबई वाले 9 बजे सोते रहते हैं, रोजी बटने का वक्त क्या है, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआ की कि सुबह में मेरी उम्मत को रोजी दे दे, और हमने अपनी रविश क्या बना ली है, हमने तो उसके बरखिलाफ कर लिया। शिकायत करना हम अपना हुनर समझते हैं, शिकायत करना हुनर नहीं है। आप उस जो है शिकायत के बहाने को ख़त्म करना हुनर है। आप याद रखें इस बात को। आज हमारे पास एक्सक्यूज लाना बड़ा आसान है, लेकिन एक्सक्यूज को ख़त्म करना हम आसान नहीं समझते, जबकि वो आसान है। आज आप अगर किसी भी परेशानी में आए, अल्लाह कहता है दो रास्ता उसका है, तो वहाँ बस दो रास्ता, एक हाथ फैलाना एक कोशिश करना, ये तुम दोनों काम करो, ना हो तो शिकायत करो। अल्लाह कहता है ऐसा कभी होगा नहीं कि मेरा बंदा किसी मुश्किल के लिए कोशिश कर रहा हो और हाथ भी उठाए हुए हो, ऐसा नहीं होगा कि उसकी परेशानी दूर ना हो। अजीजाने गिरामी, जब हम लेबर्स डे मना रहे हो तो एक बार अपने वजूद में झांक लें, हम वाकई खुदा के लिए काम करना चाहते हैं, वाकई हम अल्लाह के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो इंतज़ार किस बात का है? आप यकीन करें आपका काम है अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, रोज़ी के रास्ते में जाना, आपका उससे ज़्यादा काम नहीं है। आपको अगर काम मिला तो आपको मेहनत करना है बस, बाकी काम क्या है? अल्लाह का है। आप अल्लाह के काम में दखल तो दे ही नहीं सकते ना, और अल्लाह से बड़ा इंसाफ और भी कोई नहीं है। मैंने रवायत में देखा कि अगर किसी इंसान को तरक्की करना चाहता है, कोई भी इंसान, अइम्मा फरमाते थे ऐसा नहीं होगा कि उसको तरक्की करने के लिए मौका अल्लाह ना दे, देगा ज़रूर, चाहे देर या सवेर देगा ज़रूर। अब वही उस काम को यूज़ ना कर सके, अगर वही उसको इस्तेमाल करके आगे ना बढ़ सके, अल्लाह ने तो मौका फराम किया और मैं सोता रह गया, तो मैं सोता रह गया इसमें अल्लाह का कोई तो कसूर है? उसने तो रास्ता फराम किया था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और अजब नहीं है, खुद पैगंबर से अल्लाह कह रहा है एजा फरगता फंसब। इसकी एक तफसीर की गई है कि मेरे हबीब एक काम ख़त्म हो दूसरा काम शुरू कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में एक काम के बाद आपके पास कोई काम नहीं है। मेरे हबीब एक काम के बाद एक काम पूरा कर लीजिए, दूसरा शुरू कीजिए। मैं आपको इसके बाद जो है दूसरे खुतबे में सुनाता हूँ कि जनाब लुकमान ने काम के सिलसिले में अपनी औलाद को क्या नसीहत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني أشهر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم हम बात कर रहे थे कि आप देखिए काम इस्लाम में कुरान और हदीस और सीरत मासूमीन में इस कदर बुलंद दर्जा इसका रखा गया है कि आप इस चीज़ एक जगह देखा मैंने हमारे पास ये हदीस है फौक कुल बिर्रन हर नेकी से बढ़कर एक नेकी है ना हत्ता युक्तला फी सबीलल्लाह यहाँ तक इंसान अल्लाह के लिए यार जिहाद करते हुए मार दिया जाए। अब मैं हदीस जो सुनाना चाहता हूँ आप देखिए पैगंबर फरमाते हैं एक ही चीज़ अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी बढ़कर है वो अपनी औलाद के लिए हलाल रोज़ी की तलाश करना उसके लिए जहमत उठाना हो। आप आ जाइए मैं आना चाहता हूँ कि लुकमान हकीम की ये नसीहत सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। जनाब लुकमान की हिकमत कुरान में पूरे सूरह लुकमान आ गया और उनकी नसीहतें ख़ुद कुरान में अल्लाह ने नकल की। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हम उनके बारे में जो हमारे पास रवायतें कहते हैं कि लुकमान हकीम नबी नहीं थे हत्ता नबूवत के लिए अल्लाह ने पूछा आपको नबूवत दे दी जाए तो उनका नहीं मैं नबूवत नहीं लेना चाहता। ये एक ऐसे इंसान तो अल्लाह ने कहा ठीक है तुमको नबूवत नहीं चाहिए हिकमत अदा कर देता और अल्लाह ने उनको हकीम बना दिया और इतनी अजमत है कि उनके लिए एक पूरा सूरा नाजिल कर दिया कुरान। आप उनकी नसीहतें कैसी होंगी आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा फरमाया कि बेटा अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया एक काम जो है ध्यान में रखना जब किसी काम की तलाश में जाओ तो पहले ये देखना कि जो काम करने चाह रहे हैं उसकी ताकत है या नहीं। पहले प्रॉफिट नहीं देखना पहले ये देखना कि तुम वो काम कर सकते हो तुम्हारे पास ताकत है या नहीं। इसीलिए शायद बहुत मुमकिन है बहुत प्रॉफिट वाला हो लेकिन तुम्हारी ताकत ना हो तो बेटा ऐसा काम को हाथ नहीं लगाना जिसकी ताकत ना हो खाली उसका फ़ायदा को देखकर। फिर दूसरी बात बेटा काम करने में हमेशा से म्याना रवी का ख्याल रखना। इतना भी एक दिन जो है काम करने एक दिन गए तो इतना काम कर लिया कि कल बीमार पड़ गए और लेट गए और फिर या तो काम करने में इतनी सुस्ती किया कि काम ही पे नहीं जाएंगे नौकरी छूट जाएगी। तो ये दोनों काम नहीं करना बीच का रास्ता अपनाना बेटा काम एक हद तक करना है। मैंने एक दिन कहा था इसी खुतबे में किसी में क़ाइमा हमारे फरमाते थे काम 8 घंटे करो अपने हिस्से अपने काम अपने दिन को 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांट लो एक काम के लिए 8 घंटे काम करो। अब आजकल या तो 10 घंटे या 12 घंटे या जो इस तरह का हो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। हो तीसरी नसीहत यह है बेटा देखो किसी से अपने काम में मदद ना लेना ये अजब बात है। आप उनकी हिकमत आप ज़रा देखिए वो कह रहे बेटा अपना काम है तुम्हारा काम है ना किसी की मदद लेने की कोशिश ना कर अगर करना तो एक बात का ख्याल रखना ऐसे आदमी से करना जो कह दे भाई मैं ये काम आपका करूंगा तो इतना पैसा लूंगा
मुफ्त में कोई काम किसी से कराने की कोशिश नहीं करना, वरना एक दूसरी मुसीबत में तुम फंस जाओ। तो एक तो काम में अपनी मदद नहीं लेना, अगर लेना तो इस बात का ख्याल रखना कि उससे लेना जो अपने काम की उजरत आपसे दरियाफ्त कर ले। फिर बेटा याद रखना, किसी काम में बहुत बेचैनी नहीं दिखाना, बहुत परेशान हूँ मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं सुस्त बन रहा, बेटा ये काम नहीं करना। किसी काम को करने के लिए आपकी बेचैनी उस काम को मुश्किल बना देगी। जितना पुरसकून रहोगे उतनी आसानी से वो काम कर सकोगे। तो एक बात बेटा, कभी परेशानी अपने काम में परेशानी का इजहार ना करना। फिर ए बेटा, तदबीर किए बगैर, तदबीर किसको कहते हैं, प्लानिंग किए बगैर कोई काम नहीं करना। जरूरी है कि पहले प्लानिंग करो, अगर प्लानिंग किया तो काम करना, बगैर प्लान के कोई काम नहीं करना। अब यह भी होता है कि प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, ये तो आपको देखना है कि भाई मेरा काम किस तरह का है। लेकिन जरूरी है कि काम के लिए प्लानिंग करो, बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं करना। फिर उसके बाद देखो बेटा, रोजमर्रा का जो डेली तुम्हारा वर्क है वो कभी आज का काम कल पे नहीं डालना। आज जानते हैं आपके वहां हमारे वहां क्या परेशानी है, छोड़ो यार आज नहीं कल कर लें, कल कभी नहीं आता किसी के। आपने कल देखा, किसी ने कल देखा नहीं है, मैंने आज देखा, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। तो कह रहे देखो, कभी भी अपने काम को कल के ऊपर नहीं रखना, आज ही वो कर ले। इसलिए कल के बाद परसों भी आएगा और आप फिर उस काम में डिले होते जाएंगे। आप देखिए, मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर कह दें मसलन मैं नमाज शब कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है आज ही से खड़े हो जाइए। अगर आपको कुरान पढ़ने की आदत डालना है कि तो मैं आज कल कुरान पढ़ने के लिए आज ही से पढ़ना शुरू। इसी तरह कोई भी काम करना चाहते हो तो आज ही कर लीजिए, कल पे ना कीजिए। तालिए फिर ऐ बेटा, काम करने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लेना कि तुम जो काम करने जा रहे हो वो वाकई सही है या नहीं है। एक बार सोच लेना, शायद मुमकिन है तुम किसी चीज़ को सही समझ रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए सही ना हो। तो ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि काम करो। फिर बेटा एक बात और याद रखना, और याद रखो, काम नहीं करोगे तो फकीरी आएगी, और जब फकीरी आएगी तो तीन चीज़ खुद ब खुद अपने साथ लाएगी। अगर काम नहीं करोगे फकीरी आएगी, ये तो नेचुरल है, कोई आदमी जो दुनिया में काम नहीं करेगा फकीरी आएगी, और फकीरी आएगी तो कहते तीन चीज़ फितरी तौर पर आ जाएगी, और वो तीनों चीज़ बहुत ख़तरनाक है। फरमाया पहली चीज़ तो ये कि तुम दीदार बाकी नहीं रह सकोगे, दीन तुम्हारे पास सालिम नहीं रहेगी। आज हम देखते हैं, वाकई अपनी आंखों से देखते हैं, फिर ना हलाल ना हराम, ना ही ये परवाह होती है कि कहाँ से आया कहाँ गया, नहीं। फिर इज्जत और आबरू का कोई मसला नहीं होता, इसीलिए कहते एक याद रखना, फकीरी आएगी तो तुम्हारा दीन तुम्हारे हाथों से जाएगा। फिर दूसरी चीज़ फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारी अक्ल रोज़ बरोज़ कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी, और किसी के इंसान की अक्ल कमज़ोर हो गई तो उसका इम्तियाज जो इंसान का है वही छिन जाएगा। तो कभी तुम्हारी अक्ल को कमज़ोर नहीं होने देना। और तीसरी चीज़ बेटा, इन सब से जो ख़तरनाक है कि तुम इंसानों की निगाहों में जलील और ख़ार हो जाओगे और मुरव्वत तुम्हारे अंदर से चली जाएगी। बेटा ये दोनों, पहली दो जो चीज़ थी उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक है। इसीलिए काम करने को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम करार देना, और हरगिज़ काम से पहलू तही कभी ना करो। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह के लिए, अहले बैत के लिए, उनकी सीरत के लिए मेहनत से मेहनत काम करने की तौफीक, और काम करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمامي المؤمنين اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہماری مشکلات کو حل فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد محبت آل محمد ہدایت آل محمد عطا فرما آخرت میں شفاعت آل محمد عطا فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما